पांच फैक्टर हमने करे, सिक्स्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप नोट करेंगे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड जो आपके नोट का ये नोट एनसीईआरटी से है, हां जो एनसीईआरटी में है वो आपके नोट से मतलब सही नहीं लगता। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट, the speed of sound in air is independent of its frequency, मतलब frequency से speed of sound पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो independent होता है। सातवां factor effect of amplitude, इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में लिखेंगे कि टू अ लार्ज एक्सटेंट द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकाल टू अ लार्ज एक्सटेंट द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। टू अ लार्ज एक्सटेंट द स्पीड of sound is independent of amplitude, to a large extent the speed of sound is independent of amplitude of the sound waves, of the sound wave full stop. But if the amplitude is very large, but if the amplitude is very large, it may affect the speed of sound. May affect the speed of sound. ये टोटल सात फैक्टर्स हो गए। ये टोटल सात फैक्टर्स हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। उसके बाद अगला टॉपिक लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ displacement relation for a progressive wave, displacement relation for a progressive wave। तो इसमें ना सबसे पहले तो मुझे यही देखना है कि ये progressive wave होती कौन सी है। progressive wave वही ऐसी wave जो progressively आगे बढ़े, time के साथ साथ आगे बढ़े, उसको बोलते हैं हम progressive wave। ठीक है, तो progressive wave की पहले definition सबसे पहले लिखिएगा प्रोग्रेसिव वेव। मास वो भी आते हैं,
ज्यादातर वो होते हैं कोचिंग में 1 रुपए वाले मास्क रखे होते हैं। अच्छा नहीं वो कौन से मास्क थे, वो प्लास्टिक से जो, अरे जो ब्लू वाले मास्क आते हैं, हाँ वो 2 रुपए के आते हैं, 1 रुपए के कहा था सही में कमाल हो गया। फिर क्या हो गया, प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव में लिखिएगा वेव दैट ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम that travels from one point a wave that travels from one point of a medium to another a wave that travels from one point of a medium to another is called a progressive wave, is called a progressive wave। ठीक, उसके बाद में अगला लिखेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, एक डेफिनेशन और लिखिएगा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या होती है, लिखिएगा इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव थ्रू अ मीडियम during the propagation of a wave through a medium the particles of the medium vibrate harmonically vibrate simple harmonically about their mean positions simple harmonically about their mean positions then the wave is said to be plane progressive harmonic wave, comma, then the wave is said to be, then the wave is said to be plane progressive harmonic wave, said to be plane progressive हार्मोनिक वेव। तो देखिएगा अब जैसे मैं वेव की बात कर रहा हूं तो वेव में हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी वेव विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे 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 धीरे धीरे बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई वेव विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने के साथ साथ उस वेव के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजिशन के चारों तरफ भी वाइब्रेट करते हुए आगे जा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है,
कौन सी? हाँ ये वाली प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो अब इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन वो जरूर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा कि वो रिलेशन अगर आपको डेरिवेशन उसका याद करना है तो डेरिवेशन याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन तो याद तो बड़े आराम से हो जाएगा कि जहां पर भी टी है आप टी की जगह टी माइनस एक्स अपॉन वी रख दो, तो याद करने में उसमें दिक्कत नहीं है, बस एक बार समझ लेना। समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, अगर ना समझ रहे हैं तो एक बार दोबारा पूछना, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिएगा हेडिंग डालें इसमें डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, ठीक है। एक प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन किस तरीके से बनता है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से पता चले एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, तो उसमें हम ना दो पैरामीटर्स लेकर चलते हैं, दो पैरामीटर्स, दो फंक्शंस होते हैं। पैरामीटर्स क्या हो गया कि एक तो आप ये समझ लीजिए कि एक तो एक्स जो हो गया, एक्स तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा हो गया हमारा टी, टी हो गया टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमने एक चीज तो पढ़ी है, हमने एक चीज पढ़ी है कि एफ ब्रैकेट में एक्स, मैंने ये वाला फंक्शन तो पढ़ा है, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा एफ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है कि अब जो फंक्शन है ना वो फंक्शन दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर भी और वाई पर, तो कुछ इस तरीके का फंक्शन यहाँ पर मुझे देखना होगा, वो समझते हैं। अब वो समझने के लिए इन डेफिनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपने जैसे अभी लिखा डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, इसमें आप लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, सपोज अ सिंपल हार्मोनिक वेव, suppose a simple harmonic wave starts from the origin O, simple harmonic wave starts from the origin, starts from the origin capital O and travels along the positive direction and travels along the suppose a simple harmonic wave starts from the origin O and travels along the positive direction of x axis, travels along the positive direction of x axis with a speed v small v। अंतर क्या दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ सिंपल प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, मतलब उसमें तो आप एक ही बात है, उसमें तो आपको दो रिलेशन बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव वही बता रहे हैं, उसमें ना सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन और फिर प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की डेफिनेशन। तो प्रोग्रेसिव वेव तो वो वेव होगी जो कि टाइम के साथ-साथ आगे बढ़ती है, प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ती है, और जो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है उसमें ये है कि वो आगे तो बढ़ती बढ़ती है लेकिन उसका हर पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन के चारों तरफ भी वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट भी करता है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब यही चीज समझते हुए मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि यहाँ पर मेरे को दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे
हमने अब तक जो पढ़ा है ना, जो शुरुआत से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हुआ चाहे मोशन इन अ प्लेन हुआ, तो उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को बोला एक्स, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट को बोलूंगा वाई, लेकिन वो वाई वाला डिस्प्लेसमेंट होगा किस तरीके से वो देखना है जरा। हमने ये कहा कि ये तो हो गया सपोज अ सिंपल हार्मोनिक वेव स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन ओ एंड ट्रैवल्स अराउंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद स्पीड वी, ठीक। इसके बाद के बाद मैं ये तो मिटा रहा हूं, जैसे स्क्रीन प्रोग्रेसिव वेव को सिर्फ समझने की कोशिश करना, उसके बाद डेरिवेशन ज्यादा मुश्किल नहीं। जो डायग्राम आपको बनाना है वो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आप फोकस करिए, समझिए जो मैं बता रहा हूँ। आप ये समझो कि जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसमीटर है, मेरे पास एक कारपेट है। अब इस कारपेट को मैंने क्या करा, इस कारपेट में धूल घुसी हुई है, बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास कोई कपड़ा है या कोई हैंकी है, मान लीजिए वो गंदा हो गया, तो आप उसको ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ के ऐसे झाड़ देते हैं। जब आप झाड़ते हैं तो अगर आप उसको धूप में देखें, और खासतौर पर वो भी वो वाली धूप जो बारिश के जस्ट बाद धूप निकलती है, क्यों, क्योंकि बारिश के जस्ट बाद जो धूप निकलती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, वो बिल्कुल क्लीन होता है उस टाइम एटमोसफियर इतना क्लीन होता है कि उस टाइम आप सनलाइट में किसी भी चीज को देखेंगे तो आपको वेव्स और डस्ट पार्टिकल्स वो क्लियरली दिखाई देंगे, ठीक। और वैसे भी अगर हम किसी भी ऐसे कपड़े को हम झाड़ते हैं जिसमें से धूल निकलती है, तो वो मुझे धूल तो आराम से दिखाई दे सकती है, चाहे मैं घर के अंदर देखूं चाहे मैं बाहर देखूं। अब ये है कि आप सोचिएगा कि ये एक कारपेट रखा हुआ है, और इस कारपेट को मैंने जोर से किसी स्टिक से मैंने स्ट्राइक करा, मैंने इस पर जोर से एकदम किसी डंडे से मैंने ऐसे मारा, तो इसके अंदर धूल थी। अब क्या होगा, जितने भी इसके हिस्से है ना, हर हिस्से से जो डस्ट है, हम क्या करते हैं, हमने किसी चादर को हमने लिया, चादर गंदी, हमने चादर को ऐसे झाड़ा, झाड़ने के बाद हम वही धूल में नहीं रखते उसको, हम ऐसे झाड़ कर ना चादर को इधर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो धूल उधर गिर जाएगी, ठीक। अब क्या है, अब मैंने कारपेट को तो भारी होता है, कारपेट को तो मैं हटा नहीं पाऊंगा, तो मैंने क्या करा, मैंने कारपेट को एक स्टिक से बहुत जोर से स्ट्राइक करा। स्ट्राइक करते ही क्या होगा कि यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे डस्ट पार्टिकल्स ऐसे 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 ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और नीचे की तरफ भी डस्ट पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे नीचे की बैठ सकते हैं इसी जगह से। मतलब होगा क्या कि वो जो डिस्टर्बेंस होगा ना, जो आपने वो डंडी से ऐसे मारा है, तो वो जो डिस्टर्बेंस होगा, तो डस्ट पार्टिकल इस तरीके से उठेंगे, उठकर नीचे जाएंगे, और हर पोर्शन से डस्ट पार्टिकल ऊपर उठेगा, ठीक, हर पोर्शन से डस्ट पार्टिकल ऊपर उठेगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकूं कि मैं इस कारपेट को स्ट्रेच करके कहीं बांध दूं और फिर मैं स्ट्राइक स्टिक से ऐसे स्ट्राइक करूं, तो मैं कुछ वेव्स यानी कि कुछ डस्ट पार्टिकल ऊपर उठते हुए और कुछ डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ भी उठते हुए वो मैं देख सकता हूं, ठीक। तो इस चीज को हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेव ट्रेवल नहीं करती, वेव के साथ साथ एक डिस्टर्बेंस भी ट्रेवल करता है। तो आप ये देखिएगा डिस्टर्बेंस क्या है वो देखते हैं जरा। अब मैं जो ओरिजिनली वेव जो मैं बनाकर दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाता हूँ। यहां से शायद एक चीज दिमाग में बैठी होगी कि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स भी वेव की तरह वाइब्रेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं एक थ्रेड को लेकर थ्रेड को ऐसे कर रहा हूं तो सिर्फ थ्रेड ही ऐसे 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 वेव की तरह जाएगा, उस पर जो डिपॉजिटेड पार्टिकल्स हैं वो भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। तो हमने एक वेव बनाई, वेव तो ऐसी ही है सिंपल, ये वाई, ये एक्स एक्सिस, और अब जो है
एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया पी, और यहां से यहां तक वाला जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस वाला, उसको मैंने मान लिया एक्स, ये हो गया ओरिजिन को, जो मैक्सिमम ये जितना ऊपर उठ सकता है ये वेव, इसको मैंने बोल दिया ए, और इसको मैंने बोल दिया माइनस ए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए, मिनिमम एम्पलीट्यूड इन द नेगेटिव डायरेक्शन इज माइनस ए, और जो वेव वेलोसिटी है वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी स्मॉल वी। अब देखिएगा, हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल इधर ओरिजिन पर कोई एक रोप बंधी हुई है, कोई स्ट्रिंग बंधी हुई है, मैंने उसको टाइटली हेल्ड कर रखा है, ऐसे पकड़ रखा है, और मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको पकड़ के ना ऐसे एजिटेट कर दिया, एजिटेट करा तो क्या हुआ कि वो ऐसे उठी और ऐसे एक वेव बनाई, तो क्या वो एक ही वेव बनाएगी? नहीं, तो क्या होगा कि वो इस तरीके से ऊपर उठेगी, और फिर मतलब एक एक पार्टिकल यहां से, मान लीजिए स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का एक एक पार्टिकल ऊपर उठेगा, फिर अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेगा, फिर नीचे आएगा, और ये काम हर पार्टिकल करेगा जिस पार्टिकल की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर पार्टिकल है वो शायद इतना ही ऊपर जाए, जो यहाँ वाला पार्टिकल है वो शायद उतना ही ऊपर जाए, जो यहाँ वाला जो इस पॉइंट पर पार्टिकल है वो शायद सबसे ऊपर चला जाए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंच जाए। मैंने ये कहा कि जब रस्सी बिल्कुल ऐसे सीधी थी तो उस साइड पे यहाँ पर पॉइंट पी था, वो पॉइंट पी मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है इस वेव को देखकर मैं बता सकता हूँ कितना ऊपर जा रहा है, यहाँ तक, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला डिस्प्लेसमेंट वही हो गया, ये समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट दो लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, मुझे इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दो लेकर चल रहे हैं, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, बता रहे हैं? Yes. Yes, sir. समझ रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम दो लेकर चल रहे हैं, एक तो एक्स एक्सिस वाला, तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरे हाथ में, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे हाथ में, क्योंकि मैंने यहाँ से स्प्रिंग को खींच रखा था और मैंने इस तरह से उसको एजिटेट करा ताकि वो ऐसे ऊपर जाए और फिर ऐसे नीचे जाकर और एक वेव बना दे, ऐसी ही कई वेव जाएंगी, एक वेव नहीं जाएगी, कई बार वो लहराती है, ठीक है, कि एक बार ऐसे होकर और फिर शांत बैठ गई, ठीक है। तो हमने ये कहा स्ट्रिंग जब यहाँ पर, जब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग था तब उस टाइम जब यहाँ पर पॉइंट पी पर जो पार्टिकल था वो पॉइंट पी का पार्टिकल मैक्सिमम वर्टिकली कितना डिस्प्लेस होगा वो यहाँ तक जाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और एक हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कि वेव कितना ऊपर जा रही है ना, यानी कि ये वाला पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है, ठीक। तो मुझे जो यहाँ पर कैलकुलेट करना है, मुझे ये वाई वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अब तक जो हम x कैलकुलेट करते आ रहे थे वो काम नहीं कर, वो काम नहीं कर रहा। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये वाला पार्टिकल यहाँ जाएगा, इधर जो पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम यहाँ, इधर जो पार्टिकल हो मैक्सिमम यहाँ, तो अगर इन पार्टिकल्स का भी मोशन हम देखें ना तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड होती है a sin ओमेगा t, ठीक। तो हम वही वाली इक्वेशन है नोट करेंगे, आप taking the initial phase of the particle to be zero, taking the initial phase of the particle, taking the initial phase of the particle to be zero, initial phase का मतलब क्या है कि वो initially angle कितना बना रहा है x-axis के साथ, तो हमने कह दिया zero angle बना रहा है initially, वो ऐसे ही zero, ठीक है, क्या हो गया? तो पानी तो पीने तो बचा रहे हो, ऐसे ही चला रहे हो, बिना तो ये सब कुछ कर रहे थे। ऐसा है, उधर को मुकर के पीलो, नहीं तो इधर लैपटॉप भी और मैं भी मेरे ऊपर ही कर दोगे पुल्ला, तुम लेके बैठा हुआ है ये नहीं नहीं चल करती इतना शरीर फिर मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने करा था इसमें भी, तुमने कहा था कि ये मेरे को समोसे खाते हुए दिखाई दिया जबकि ये था नहीं वहां पर, समोसे
समोसे खा भी रहा था, मेरा दोस्त खा रहा था। तो टेकिंग द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल टू बी जीरो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट the displacement of the particle at the origin O and the origin O and the x is equal to 0 and any instant small t is given by and any instant small t is given by at any instant small t is given by y 0 t y 0 comma t is equal to a sin omega t y 0 t is equal to a sin omega t इसको हम बोल देंगे equation number 1। देख लीजिए यहाँ पर जो ये जीरो लिखा है, ये जीरो लिखा है, ये एक्स के लिए लिखा है। मैंने कहा कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, यहाँ पर वेरिएबल्स दो रहेंगे, एक तो रहेगा नॉर्मल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और एक रहेगा टाइम पीरियड टी। ठीक है, तो ये तो दिखाई नहीं रहा है कि ये जो है टाइम पीरियड टी पर डिपेंड कर रहा है, एक्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ओरिजिन से ही मोशन, मैंने ओरिजिन से ही इसको वेव को स्टडी करना शुरू करा, तो ओरिजिन पर एक्स की कोई वैल्यू होती ही नहीं, तो इस वजह से हमने y 0 comma t लिखा, नहीं तो मैं x comma t लिखता। ठीक है, अच्छा इसके बाद माइनस पे माइनस लिखा, हां मैं लिखा माइनस a sin omega t को दे देता हूं, पीरियड, अरे तो पीरियड निकाल रहा हूं ना अभी, तो मैं तो पहले वाला कर रहा हूं, मैं तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, पीरियड पर वैल्यू बढ़ाओ। उसके बाद देखिएगा, अब हम ये कहेंगे कंसीडर अ पार्टिकल स्मॉल कैपिटल p ऑन द x एक्सिस, a particle capital P on the x axis, consider a particle capital P on the x axis at a distance small x from O, at a distance small x from O। मैंने कहा कि एक पार्टिकल यहाँ पर है ओरिजिन से स्मॉल x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसको टाइम कितना लगेगा? हमने कहा कि जो वेव है, वेव की वेलोसिटी v है, तो वेव पर मौजूद हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी v होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट x है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको, मतलब जो डिस्टर्बेंस है, सॉरी डिस्टर्बेंस को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में डिस्टर्बेंस को लग गया टाइम t मान लीजिए। तो हम ये कहेंगे कि इधर ही सो टाइम टेकन बाय द डिस्टर्बेंस, टाइम टेकन बाय द डिस्टर्बेंस टू रीच पॉइंट पी डिस्टर्बेंस को पॉइंट पी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? आप ये देखिएगा कि डिस्टर्बेंस हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। भाई मैंने उसको ऐसे हिलाया तो ओरिजिन से ही तो सारे पार्टिकल्स हिलने शुरू होंगे। तो आप ये देखिए ओरिजिन से पॉइंट पी तक डिस्टर्बेंस को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? डिस्प्लेसमेंट एक्स है, वेलोसिटी वी है। ठीक, तो एक्स अपॉन वी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, वो टाइम आ जाएगा। टू रीच पॉइंट पी इज एक्स अपॉन वी। ये समझ में आता है ध्रुव? बता दीजिए ध्रुव, ईशान, ये चीज क्लियर है? दोनों भाई में क्या ऐश्वर्या समक्ष ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर, समक्ष भी है, ऐश्वर्या भी है, ध्रुव किधर है? ध्रुव, ईशान, अनुष्ठा तो है, अनुष्ठा तो सुन रही है।
पूछा कि ध्रुव और ईशान का कोई जवाब नहीं आ रहा, कल इसका याद है सर के सेट का नहीं चलिए जी, उसके बाद हम ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पी। पहले वाले में क्या करा हमने, ये वाला पॉइंट मतलब जो है ना, मैंने ये बताया कि जब पार्टिकल रहेगा, पार्टिकल भी तो यहाँ इतना डिस्प्लेस करेगा वाई की डायरेक्शन में, तो वाई की डायरेक्शन में भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रहा है पार्टिकल, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली ही वेव लेगा। वैसे क्या होता है ओमेगा टी माइनस थीटा होता है, लेकिन वो थीटा हम यहाँ पर दिखा क्यों नहीं रहे, क्योंकि इनिशियली फेज को हमने जीरो मान लिया, दिखा है ना यहाँ पर इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल टू बी जीरो, ठीक, तो इस वजह से उसको मैंने दिखाया। उसके बाद देखिएगा, मैं ये कहूंगा यहाँ पर देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट कैपिटल पी, at capital P at any instant small t, at any instant small t is equal to displacement of the particle equal to displacement of the particle at capital P, no, sorry, displacement of the particle at capital O, at capital O at a time x upon v seconds earlier, at a time x upon v seconds earlier, x upon v seconds earlier का मतलब क्या है? Earlier का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये बोल रहे हैं displacement of the particle at capital P at any instant small t, तो किसी भी instant पर अगर मेरे को displacement निकालना है, तो आप ये देखिएगा कि initially तो हमारा displacement ये sin omega t हो गया, ठीक है? फिर हम ये कहेंगे कि particle तक wave का disturbance पहुंचने में time लग रहा है x upon v, ठीक? तो अगर मान लो मुझे origin की बात करनी है, क्योंकि ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन था ये ओरिजिन के लिए था, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा ओरिजिन के लिए था, तो जो वेव है वेव को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, x अपॉन v, ठीक। तो अगर मैं यहां पर ओरिजिन पर स्टडी करना चाह रहा हूं, तो मेरे को जो टाइम ड्यूरेशन यहां से यहां तक वाला लगा x अपॉन v, वो मुझे ओरिजिनल टाइम में जो भी इंस्टेंट है टाइम उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं वेव को स्टडी करना चाह रहा हूं, तो ये मैंने किसके लिए निकाली थी, ओरिजिन के लिए निकाली थी। तो अगर मैं वेव को स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे वापस ओरिजिन पर पहुंचने के लिए जितना भी टाइम यहाँ पर लगा है, यहाँ तक पहुंचने में मान लीजिए 5 सेकंड लग गए, तो मुझे अगर ओरिजिन पर स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस 5 सेकंड में से जो यहाँ तक वाला जो टाइम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि मैं ओरिजिन पर पहुंच जाऊँ, नहीं समझे भाई, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम 5 सेकंड लगा, ठीक। तो अगर मुझे ओरिजिन पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो 5 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा ना उसमें से। तो वही चीज यहाँ पर है कि अब टाइम जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू नहीं दे रखी टाइम की, तो टाइम की वैल्यू x और v के टर्म्स में दे रखी है, x अपॉन v, x क्या है डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और v क्या है स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है, टाइम ही होता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मुझे वापस ओरिजिन पर स्टडी करना है, तो ओरिजिन पर स्टडी करने के लिए कितने टाइम पीछे चलो, ठीक है, ये समझने वाली चीज है कि टाइम हमेशा आगे की तरफ ही जाता है। हम अगर पीछे की तरफ वेव को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पीछे स्टडी करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो इसी वजह इसी चीज को एक्सप्लेन यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल displacement of the particle at O at time
टी माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। तो जो भी टाइम है, कुछ भी टाइम है, उसमें से आप एक्स अपॉन वी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो एक्स अपॉन वी को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओरिजिन पर आ जाएंगे, और ओरिजिन के लिए मेरे पास इक्वेशन दे रखी है। अब क्या करेंगे, अगर मुझे मतलब वापस ओरिजिन पर आना है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इस टी की जगह टी माइनस एक्स अपॉन वी रख देना, ठीक है, ताकि मैं ओरिजिन पर आ जाऊँ। ओरिजिन पर क्या है, ओरिजिन पर जो वेव है उसका फेज जीरो है, तो ओरिजिन पर मैं मेरे को स्टडी करने में आसानी रहेगी, इस वजह से मैं ओरिजिन पर स्टडी करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कितने एंगल पर ऊपर उठ रहा है मैं नहीं जानता, तो इसलिए मैं उसको वापस एक्स माइनस एक्स एक्स अपॉन वी उसमें से टाइम में से सब्ट्रैक्ट करके तो ओरिजिन पर स्टडी करना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा इस काम को, और बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को सीधा सीधा रख के चले जाते हैं कि ये इक्वेशन लिखकर अगले स्टेप में आपको टी में से एक्स माइनस एक्स अपॉन वी को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल तो बिल्कुल वो सही है, लेकिन समझ जाइए कि हम एक्स अपॉन वी सब्ट्रैक्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टडी करना किसी भी चीज को मेरे लिए मुश्किल है, मैं आसान बनाने के लिए वापस ओरिजिन पर आना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ तक आने में 5 सेकंड लगा है तो जो भी टाइम है उसमें से 5 सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ गए, ठीक। तो मैं ठीक है, मेरी जगह है यहीं पर कर रहा हूँ। Does the displacement of the particle can be obtained? Does the displacement of the particle can be obtained by replacing t by t minus x upon v in equation 1 और फिर y 0t की जगह आप लिखें y xt, क्योंकि जब मैं डिस्प्लेसमेंट x ले रहा हूं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट x है, अभी तो x अपॉन v निकला, तो y xt is equal to a sin omega, और t की जगह आप सीधा सीधा रिप्लेस करिए t minus x upon v। उसके बाद इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड कैसे होगा, y x t, इसको देखकर बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए ये जो y है ये इस डिस्प्लेसमेंट x पर और टाइम टेकन पर, उन दोनों पर डिपेंड करता है, तो इसलिए दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y x t लिखा है यहाँ पर। तो इनको आप एक्सपैंड करेंगे तो a sin ओमेगा अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा t माइनस ओमेगा x अपॉन v, ओमेगा t माइनस ओमेगा x अपॉन v, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। और अब क्या करेंगे हम, बट ओमेगा अपॉन वी ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू अपॉन वी, ओमेगा अपॉन वी, तो मैं बोल दूंगा 2 पाई न्यू अपॉन वी, और इज इक्वल टू 2 पाई न्यू अपॉन वी को अलग डाल दिया हमने, तो न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, और वी क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, वी क्या है वेलोसिटी स्पीड है, तो न्यू को मैं क्या बोल देता हूँ, फ्रीक्वेंसी, हाँ, तो न्यू जो है न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, और न्यू अपॉन वी क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी इंटू टी, और आप ये देखिए कि v क्या है velocity, t है time period, velocity into time period करेंगे तो क्या आ जाएगा distance, और distance क्या होता है lambda, तो इसलिए
ये सभी को क्लियर है इतना? बता दो ऐश्वर्या, अनुष्ठा। यस सर। ठीक है चलिए जी, तो 2π अपॉन लैम्डा हम ये कहेंगे, देयरफॉर ओमेगा अपॉन वी इज इक्वल टू 2π अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू के, इसको के बोल देते हैं। तो आप नोट करेंगे द क्वांटिटी के इज इक्वल टू 2π अपॉन लैम्डा is called the quantity k is equal to 2π upon lambda is called angular wave number or propagation constant, is called angular wave number or propagation constant. Angular wave number or propagation constant. ठीक है, हम कहेंगे hence yxt is equal to a sin omega t minus omega upon v जो है ओमेगा अपॉन वी की जगह तो के आया, तो के एक्स आ गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये होती है इक्वेशन एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। और अगर चाहो और इसको लैम्डा के टर्म्स में निकालना चाहो तो हम और भी निकाल सकते हैं। ये वाली जो इक्वेशन आई है, जिस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, उसके बाद में इधर मिटा के इधर कर रहा हूँ। इसको मैंने ले लिया फिर इक्वेशन नंबर 2, पांच मार्क्स का है ना, क्या पांच मार्क्स का है ना, वो भी आगे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर हम ये कहेंगे वाई एक्स टी इज इक्वल टू सेंस ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, और न्यू क्या होता है 1/t, 2π × 1/t, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2π/T। देयरफॉर वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह डाल दीजिए 2π/T, 2π/T इंटू स्मॉल टी माइनस 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 k की जगह 2π/λ डाल दो, kx था ना, तो k की वैल्यू क्या होती है 2π/λ x, ये हो गया। यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, 2π कॉमन ले सकता हूँ, y x t is equal to a sin, और मैंने 2π ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा स्मॉल t अपॉन कैपिटल t माइनस x अपॉन लैम्डा। ये वाली हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये तीन चार इक्वेशंस हैं, ये आप सारी करके दिखा देना। उसके बाद हमने क्या करा यहां पर, कि
जैसे वाई एक्स टी है, अब इस थर्ड इक्वेशन को अगर लेकर चलें तो वाई एक्स टी क्या हो जाएगा, ए साइन टू पाई है। तो आप एक काम करो, जैसे ये टी अपॉन कैपिटल टी है ऐसे ही माइनस वन अपॉन लैम्डा ऐसे रखिए, और ये एक्स है ना, एक्स अपॉन कैपिटल टी, और ऊपर भी टी ले आओ यहाँ पर ऐसे। मतलब हमने क्या करा, हमने टी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, समझे? तो टी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, टी डिनोमिनेटर में मुझे टी मिल रहा है, इसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, इसलिए करा ये काम ऊपर और नीचे, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही कैपिटल टी था डिनोमिनेटर में, यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में कैपिटल टी लाना चाहता था, तो मैं इधर ले आया इसको, ए साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, स्मॉल टी माइनस एक्स इंटू टी अपॉन लैम्डा, ठीक है? अब ये कैपिटल टी क्या होता है कि एक साइकिल में वेव को कितना टाइम लगता है ट्रेवल करने का, और लैम्डा क्या है, उसकी वेव लेंथ है, तो वेव लेंथ एक तरह से डिस्टेंस हो गया, तो टाइम अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन में हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो टाइम अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन अपॉन स्पीड, वन अपॉन स्पीड और स्पीड कितनी है, बी, बट टी अपॉन लैम्डा को बी लिखूंगा, वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन y upon capital T bracket में t minus x upon ये जो t upon number है इसको मैंने b लिख दिया, ये हो गई equation number 4। इसके बाद ये कहेंगे ये अगर इस equation में मैं t को अंदर डालूं, मैं टी को अंदर डालकर, और हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से ये देखा कि लैम्डा अपॉन टी ये वी के बराबर होता है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है। तो मैं इसमें एक काम करना चाहता हूँ कि वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन आप टी को वापस अंदर ले जाइए, और ये टी था इस टी को वापस अंदर ले जाइए, टी अपॉन कैपिटल टी जंगल दे गए, और हमने लैम्डा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहां पर है मेरे पास एक्स अपॉन बी, समझ गए, और टी भी है, कैपिटल टी भी है, मतलब मैं टी को अंदर ले गया। अब ये काम क्यों करा है, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में लैम्डा को बाहर लाना चाहता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप ये देखिएगा, एक मिनट, ये जो v इंटू टी है ये लैम्डा के बराबर है, तो v इंटू टी को मैं क्या लिख दूंगा नीचे, लैम्डा, तो वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन टू बाई स्मॉल टी लैम्डा अपॉन कैपिटल टी लैम्डा। अब मैं कैपिटल टी को तो मैं बाहर ले चुका हूँ डिनोमिनेटर में, अब मैं डिनोमिनेटर में लैम्डा बाहर निकालना चाहता हूँ, तो माइनस बी इंटू टी, बी इंटू टी क्या हो जाएगा लैम्डा, तो मैंने लिख दिया एक्स अपॉन लैम्डा, y xt is equal to a sin, अब मुझे इधर भी डिनोमिनेटर में लैम्डा दिखाई दे रहा है, इधर भी अब लैम्डा को निकाल लो बाहर, a sin 2 pi upon lambda ब्रैकेट में यहां पर क्या बचेगा, t lambda upon capital t, t lambda upon capital t, और यहां से लैम्डा बाहर निकाला तो बचा केवल x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5।
ठीक है, उसके बाद आप ये कहेंगे इक्वेशन ऊपर। तो हाँ, एक काम और करा जा सकता है कि जो लैम्डा अपॉन टी है, इस लैम्डा अपॉन टी को मैं वी बोल सकता हूँ, इसको मैं वी बोल सकता हूँ, लैम्डा अपॉन टी को मैं वी बोल सकता हूँ ना भाई। लैम्डा अपॉन टी यहाँ पर है और इस लैम्डा को मैंने बाहर निकाल दिया तो वी टी होती है, वी टी माइनस एक्स। इक्वेशन टू थ्री फोर एंड फाइव आर different forms of or different forms of plate progressive wave, plane progressive wave. फिर उसके बाद फेज एंड फेज डिफरेंस, पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, बस इतना बचा हुआ है लास्ट। वीटी वो तो हो गया, लैम्डा भी तो हो गया, तो वी हां मैं वो तो कह रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने लैम्डा को बाहर निकाल दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो ये लैम्डा तो बाहर आ गया, तो अब क्या बचा मेरे पास, ये वी तो है, लैम्डा अपॉन कैपिटल टी, लैम्डा अपॉन कैपिटल टी की जगह मैंने वी लिख दिया, तो वी इनटू स्मॉल टी माइनस यहां मैंने लैम्डा निकाल दिया। अगर हम वीटी को सॉल्व करेंगे तो वो लैम्डा आ जाएगा, तो वो लैम्डा तो वो मतलब आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें चारों की चारों फिर से कर दिखानी पड़ेंगी। हाँ, चारों फॉर्म निकाल देना, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का ना डेरिवेशन काफी आता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। ओके सर, थैंक यू। चलिए ओके, मीटिंग एंड कर दो। ध्रुव समक्ष अनुष्ठा, यस यस सर, ठीक है ध्रुव।